जय माता दी। सितंबर माह का तीसरा सप्ताह, श्राद्ध खत्म होने को है और नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सितंबर का जो दूसरा सप्ताह है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने मेरे बताए हुए उपायों को फॉलो किया होगा, अच्छा रहा होगा सप्ताह। आने वाला सप्ताह जिसमें कि नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं और माता भगवती की सभी पर कृपा बने रहे, कैसा रहेगा डिफरेंट राशियों के लिए, डिफरेंट जातकों के लिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सब प्रथम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभ रत्न है मुगा, शुभ रुद्राक्ष है तीन मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ नहीं हैं। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए समय अनुकूल नहीं है। सप्ताह छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अच्छा समय है। आप इस समय किसी भी परीक्षा में यदि भाग लेते हैं तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। कैरियर से जुड़ा हुआ आप कोई अहम फैसला भी इस सप्ताह कर सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो इस सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। प्यार का इजहार करने के लिए समय अच्छा है। परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे, घर में शांति बनी रहेगी, आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा नहीं है। आपको पेट संबंधी विकार भी हो सकते हैं, बच्चों की सेहत संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। आपको अपने और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक नॉर्मल सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि हर मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला या फिर लंगोट का चढ़ाएं। हमेशा लाल रुमाल, किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले अपने साथ एक लाल रुमाल हमेशा अपने पास रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप गायत्री मंत्र का डेली एक जाप करते हैं 108 बार, और वो भी आप तीन मुखी रुद्राक्ष की माला पर करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बंदरों को गुड़ चने का दान देना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लाल वस्त्रों का दान देना ब्राह्मणों को और वटवृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाना और चिड़ियों को दाना खिलाना इस राशि के जातकों को आने वाले सप्ताह को अच्छा बनाने में मददगार साबित होंगे। तो देखा जाए तो आने वाले सप्ताह में माता रानी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। यदि आप फोकस करते हैं, यदि आप नवग्रह के पाठ करते हैं, आप माता के जो कवच है उसको आप पढ़ते हैं, आप मांस मदिरा से दूर रहते हैं, अपना ध्यान अध्यात्म की तरफ पूजा पाठ में लगाते हैं, तो बाकी अगर आप सारे उपाय ना भी कर पाएँ तो ये जो कुछ उपाय मैंने अभी लास्ट में बताए, यदि आप ये उपाय भी करते हैं तो आने वाले सप्ताह और आने वाले कई सप्ताह इन उपाय से आपके लिए हमेशा आपके कार्य में वृद्धि बनी रहेगी। घर में, परिवार में, सब लोगों के बीच में सुख शांति की सिचुएशन बनी रहेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जब आप पॉजिटिव होंगे तो आप पॉजिटिव कार्य करेंगे और हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह आपके लिए, सभी जातकों के लिए अच्छा रहे, माता दुर्गा अपनी कृपा आप पे सदैव बनाए रखें। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव हूँ।